वारीमन के एक बार फिर से साधना न्यूज में बहुत स्वागत है। और आज हम हावन साजा विधानसभा क्षेत्र में, जो पूरे छत्तीसगढ़ में साजा विधानसभा क्षेत्र है, प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है वजह से ही, काबर कि यहाँ के ही किसान पुत्र, माटी पुत्र जो है, कैबिनेट मंत्री ग्रुप में नेतृत्व करते विधानसभा में। और ओकर जो प्रतिनिधि है और वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और सहकारिता के क्षेत्र में भी काफी जानकार है। ओकर से हम लगातार चर्चा करबो। मंत्री जी के कहीं न कहीं प्रतिनिधि और नेतृत्वकर्ता के रूप में काम करते क्षेत्र में, विजय दुबे जी हमारे साथ। विजय दुबे जी है और वो जो है सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हावे, और पार्टी में भी बड़े पदाधिकारी है। और लगातार ओकर नेतृत्व में और मंत्री जी के नेतृत्व में परपोड़ीला एक नया आयाम मिले हैं। और लगातार हम चर्चा करबो और जानबो कि कौन से तरीका से जो है परपोड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति आगे बढ़ाते हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम जो क्षेत्र है वो में कैसे काम होते। जी, सबसे पहली दुबे साहब, आपके हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। जेन आप हमला आके हमर से हमर क्षेत्र के बारे में जानकारी ले, तेखर से ती आप ला बहुत बहुत साधुवाद। साहब, ये जो है रविन चौबे जी के क्षेत्र है, दबंग मंत्री है, काबर की जो सीएम साहब के बाद वरिष्ठ मंत्री के रूप में होकर गिनती होते, और विकास की गति भी बढ़े कांग्रेस सरकार आए के बाद। सबले पहली हमन चर्चा करबो और सहकारिता के क्षेत्र में जाबो, काबर आप सहकारिता के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रखतो। कांग्रेस सरकार आए के बाद सहकारिता क्षेत्र में ये क्षेत्र है परपोड़ी में, वो का विकास हो? देख, ऐसे है, सहकारिता माने किसान। और हमर सरकार जेन दिल्ली छत्तीसगढ़ में बने हैं, कांग्रेस के सरकार, भूपेश भैया के सरकार और रविन चौबे के सरकार, किसान मन बर और सहकारिता के क्षेत्र में बहुत सारा काम होते हैं। सहकारिता क्षेत्र के विस्तार करे के खातिर हमर सरकार जो है सहकारी संस्था सेवा सहकारी समिति के गठन करिस। 35 सेवा सहकारी समिति के गठन हमर नवा साझा विधानसभा क्षेत्र में हो है। आवाज ए मन सहकारिता के क्षेत्र में सेवा सहकारी समिति के माध्यम से हमर मन के किस हमर किसान जोन है ओखर धान के बिक्री होते। और ओ मल्ला हमन हा हमर सोसाइटी के माध्यम से खाद बीज उपलब्ध कराथन। ओ मल्ला केसीसी लोन भी हमर सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ओ मल्ला मिलते। आज किसान मन ये सरकार से बहुत संतुष्ट है और हमेशा ये सरकार के साथ में खड़ा हो ही किसान मन, ऐसे हमला लगत है। ये बार जो है मैट्रिक टन में जो धान की जो खरीदी है काफी बढ़े हुए हैं अगले साल की अपेक्षा, लगातार मैट्रिक टन जो बढ़ते जाते हैं, और किसान न्याय धन योजना के लाभ भी लगातार किसान मतलब मिला थे। ये बार जो मैट्रिक टन बढ़े आपके क्षेत्र में और आपके जो सोसाइटी है वो में धान के कति कुंटल जो है खरीदी है बढ़े हैं? हमर सोसाइटी में लगभग 1500 क्विंटल के आसपास पिछले समय से हमन ज़्यादा खरीदी करे हन। और पूरा प्रदेश में तो आप जानत हो है, 1,10,000 के लगभग खरीदी हो है मेट्रिक टन धान के। तो एकर से किसान मन ये सरकार से बड़ा खुश है। पहली हम सपना में नहीं सोचे रहन कि हमर सरकार अतेक धान किसान मन के खरीदी, लेकिन हमर सरकार बने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पहली सरकार रही से तो धान खरीदी नहीं होती सतेक, और किसान मन हमेशा परेशान रहे। आज हमर सरकार जो है किसान न्याय योजना के तहत सारा किसान मल्ला 2500 रुपया के हिसाब से धान के वाजिब जिन कीमत है वो देते। अब अवैया साल में हमर किसान सरकार की योजना है कि ये पैसा में वो बढ़ोतरी करके 2800 रुपया क्विंटल में धान की खरीदी करबो, ऐसे हमारे माननीय मंत्री कृषि मंत्री महोदय के और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के मनसा है। दुबे साहब, एक चीज वो है कि 2800 कुंटल करबो कहा थे सरकार हा, और एक ठन बात और सुनाई में आते कि कुंटल अभी बढ़ावो कहा थे और राशि भी बढ़ावो कहा थे, तो दोनों चीज बढ़ेगा?
कुंटल तो हमारा भी बढ़ जाए रितीश, लेकिन हमारे केंद्र सरकार के जिन अड़ियर रवैया है, एथेनॉल प्लांट लगाए के हम मतलब परमिशन नहीं देते हमारे सरकार ला, ओखर सेती हमन ज्यादा धान खरीदी नहीं कर पाथन। और जैसे केंद्र सरकार अपन रुख में थोड़ा नरमी बरती और हमला एथेनॉल प्लांट लगाए के परमिशन दी, तो ये 15 क्विंटल के कोई सीमा नहीं रहा है। किसान के एक एक धाना धान 15 नहीं 30 क्विंटल धान हमारे जो है सरकार खरीद सकते है। निश्चित रूप से सहकारिता के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं साझा विधानसभा, और पूरा प्रदेश में किसान मन की स्थिति अच्छा सुधरे है, और छत्तीसगढ़ सरकार है किसान हितैषी सरकार के रूप में ही काम करा थे। और जब सरकार में इस तो किसान मन के मुद्दा ला लेके ही आ रही से, घोषणा पत्र में भी जो ले रही से वो मुद्दा ला भी जो मांग है वो पूरा कर चुके हैं। हम वो आगे चर्चा करते हुए अगले विषय में हम चर्चा करबो। शिक्षा के क्षेत्र में ये क्षेत्र में का विकास हो है, माननीय मंत्री जी कितना सौगात ये विधानसभा क्षेत्र दे है और पौड़ी दे है। वैसे हमारे मंत्री जी शुरू से ही हमारे पड़पोड़ी क्षेत्र से ज्यादा वाला प्रेम रही थे, और हमारे क्षेत्र के ऐसे कोई काम नहीं है जिन हमारे मंत्री जी के राहत ले रुकी। आज हमारे मंत्री जी के आशीर्वाद ले हमारे पड़पोड़ी नगर में लगभग 5 करोड़ की लागत से कॉलेज भवन के निर्माण होते, लगभग 2 करोड़ रुपया के लागत से शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पड़पोड़ी में नया भवन के निर्माण होते, हमर नजदीकी ग्राम चेचान मेटा में भी 2.25 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनते। वैसे देखे जाए तो हमर क्षेत्र जो है पड़पोड़ी क्षेत्र साझा विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है, काबर के हमर क्षेत्र ला माननीय चौबे जी के बहुत सारा आशीर्वाद मिलते, और हमन पूरा निष्ठा से हमन काम करने वालन, कांग्रेस पार्टी पूरा निष्ठा से किसान मन के सेवा करते। हम हमर लड़का बाहर पढ़े बर मत जाए, ओखर शिक्षा दीक्षा यही हो जाए, ये सोच ला ले के हमर माननीय मंत्री जी है हमर क्षेत्र में शिक्षा के बहुत सारा विकास करत है। गांव गांव में हमन स्कूल भी खोले हन, गांव गांव में आज माध्यमिक शाला और उच्चतर माध्यमिक शाला ये सब के भवन है और सब पढ़ाई होते। आज हमर साझा विधानसभा क्षेत्र में कृषि कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, ये सारा चीज हमर चौबे जी के आशीर्वाद से खुलत है, और हम हमेशा चौबे जी के ये बात में ऋणी रहबो। साहब, शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करत हन तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी जरूर हम चर्चा करबो, काबर की जो भूपेश सरकार है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के सौगात पूरा प्रदेश लदे है, और मोला मालूम है कि परपोड़ी क्षेत्र ल भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के भी लाभ मिला थे। निश्चित रूप से आगे आओ के ठन स्कूल खुलही, और कैसे और क्षेत्र के आदमी मन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्कूल ला पढ़ सके ओकल ये काम रहा। हमर चौबे जी के आशीर्वाद ले हमर साझा विधानसभा में देवकर में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल खुलिस, साझा में भी धमधा में भी, और हमर चौबे जी हमर ल बोले हैं कि पड़पोड़ी में भी जगह तुमन तैयारी करके रखना, और आने वाला समय में यहाँ भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम के स्कूल खुल जाए, और ओखर खुले ले हमर जिन गरीब पालक है ओखर बच्चा मन प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश पढ़े बर तरसे। आज हमर चौबे जी के आशीर्वाद और ओखर कृपा ले हम गरीब मन के लड़का मन भी इंग्लिश माध्यम के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करी, और हमर गांव के, हमर मन के और हमर क्षेत्र के नाम रोशन करी। बीच में समाचार बना रहे साहब की जो सीएम साहब है भूपेश बघेल और रविन्द्र चौबे साहब के मार्गदर्शन में ही स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम रखे हैं। स्वामी आत्मानंद शायद चौबे साहब के भी प्रेरणा स्रोत है और भूपेश बघेल साहब के भी प्रेरणा स्रोत है। तो केठन स्कूल यदि खुल सकते का उम्मीद लगा हो मंत्री जी से, कितना के मांग करे? वैसे तो हमन आज तक के चौबे जी से मांग नहीं करन, चौबे जी ला भी ये मालूम रही थे कि कहाँ मोला का खोलना है, एकर सेती हमन ये मा चलतन मांगे मिले न मोती है, और बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। तो हमन चौबे जी से कभू मांग नहीं रखन, चौबे जी हमन लोग खुद कही थे कि गांव में इसे खोलना है कि के
बोरतारा में भी हमार चौबे जी जो है अभी कॉलेज की स्वीकृति दे है, है? तो हमर चौबे जिला हमर ला बताए जरूरत नहीं रहा है, काबर को शुरू से राजनीति करत थे, पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करत आ थे, तो वो मल्ला मालूम है कि हमर गांव में का चीज के हमर ला जरूरत है और का चीज करे से हमर क्षेत्र के विकास हो ही, एकर से ती उमन ला बताए के जरूरत नहीं रहा है, वो मन खुद मालूम रही थे उमन ला के मोला कौन गांव में का करवाना है, पूरा गांव के एक एक गली से चौबे जी जो है वाकिफ है, गांव के एक एक जनता से चौबे जी वाकिफ है और गांव के एक एक समस्या ला चौबे जी बहुत करीब से जानते हैं, तेखर से ती हमन ला आज तक के मांगे के मौका चौबे जी से नहीं मिले हैं। चौबे जी हमन ला खुद कही थे कि तोर गांव में ये मैं खोला था और एक बार जगह तुमन कते मेर बनाना है ये तय करके रखना। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी है, माननीय मंत्री जी है रविन्द्र चौबे जी, ओला हर गांव के डाटा मालूम है कि कौन सी जगह का आवश्यकता है और का चीज के जरूरत है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शुद्ध पेयजल के क्षेत्र में हो। हम आगे चर्चा आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करबो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो काफ़ी अग्रणी काम करे है और अलग अलग योजना ला के लोग बागला स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है अच्छा बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमार साझा विधानसभा के बहुत विकास होते हैं, साझा में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन करके वहां 50 बिस्तरा के अस्पताल के स्वीकृति हमार माननीय चौबे जी के प्रयास से हो है। हमार पास के गांव वहां भी हाँ पीएससी होते ना, वहाँ पीएससी यहाँ होते ना देवरगांव में, देवरगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वीकृति मिले हैं और वहाँ काम जो है चालू हो गए हैं। पड़पुड़ी ला भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के दर्जा जो है हमर चौबे जी के प्रयास से मिले हैं। हमर चौबे जी पशु विभाग के भी मंत्री हैं, तेखर से ती मोर पड़पुड़ी में खुद पशु औषधालय बनाए के भवन के गलत स्वीकृति दे है और कुछ दिन में उखर काम गला चालू हो जाए। तो देखे जाए हमर अभी 15 साल ले तो हमर क्षेत्र के विकास प्राय अवरुद्ध हो गिरी से, लेकिन आज 4 साल हो गए जब ले हमर चौबे जी हमर कृषि मंत्री बने हैं और हमर किसनहा बेटा माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब ले हमर क्षेत्र के विकास होते हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में के शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत सारा काम हमारे क्षेत्र में हुआ थे। माननीय मंत्री जी जल संसाधन मंत्री भी हरे और ये क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के तहत डैम भी बने हैं, नहर लाइनिंग के भी काम होते, जेकर से किसान मला अभी सुविधा मिला थे, मतलब किसान मला चारों तरफ से चौमुखी विकास के लाभ मिला थे। जल संसाधन विभाग से कौन कौन से काम हो है दुबे साहब, ओला भी जानबो। वैसे तो साझा विधानसभा में बहुत सारा काम हुए हैं, लेकिन मैं पड़पुड़ी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करता हूँ माननीय चौबे जी की कृपा ले। तो हमर पड़पुड़ी क्षेत्र में हमर सबसे बड़े बांध 4 भाठा बांध है और वो मां लाइनिंग के काम होते, पिचिंग के काम होते और चौबे जी के मनसा है कि हमर 4 भाठक पानी ला देवकर तक के ले जाऊं की के, तो ये दारी देवकर तक के हमर 4 भाठा के पानी गिर ही से और कृषि के सिंचाई के क्षेत्र में हमर जगह जगह नाली के निर्माण होते, अपन गाड़ाडी जलाशय में काम हुई से, कुरलू जलाशय में काम हुई से, गोड़मरा जलाशय में काम हुई से और यहाँ बहुत सारा पैसा के स्वीकृति दे के हमर चौबे जी जो है किसान मन ला खुशहाल और समृद्ध बनाए के खातिर उखर पानी के व्यवस्था करे के खातिर पूरा नहर लाइनिंग के काम, पिचिंग के काम और बांध में जिन भी मरम्मत के काम है वो सारा काम हमर चौबे जी के आशीर्वाद ले हमर क्षेत्र में हुआ थे। हाल पे ही जो सीएम साहब है भूपेश बघेल साहब है एक ठनऊ भरोसा चौबे साहब के ऊपर जतई से और पंचायत विभाग ला भी सौंप दिसोला, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के भी मंत्री हावे वर्तमान में और पंचायत मन में भी ओकर से पहले भी विकास होत रही से और भी विकास की जो गति है बढ़े है, पंचायत मंत्री है ओकर लाभ कैसे ले पात हो। पंचायत मंत्री हमर चौबे जी जब ले बने हैं तब ले हमर क्षेत्र में
पंचायत में बहुत सारा काम आवत है, और काम अतेक आवत है कि सरपंच मनो काम ला करे नहीं सकत है। बहुत सारा काम जैसे रोड के काम है, गली मरम्मत के काम है, सीसी रोड बनवाए के काम है, ये सारा काम हमर चौबे जी के पंचायत मंत्री बने से हमर ग्राम पंचायत मन में आते, और हमर क्षेत्र के ऐसे कोई ग्राम पंचायत नहीं होही जिहा के गली अब एको सीसी करे बर सीमेंटीकरण करे बर बाची हो ऐसे हमर ल नहीं लगे। सारा काम हमर हो गए, एक आध दो गली भर बाँचे है, वहूँ में काम जो है हमर चलत है। तो आने वाला समय में हमर क्षेत्र जो है वो कीचड़ से पूरा मुक्त हो जाए, और ये समय हमन ला बरसात में कीचड़ के जिन परेशानी होती से ओखर हमन ला सामना करे बर नहीं पड़े। एक ये विभाग वो है मंत्री जी के पास मत्स्य विभाग, और ओकर थ्रू जो है जो जो निषाद भाई मन है, जो मछुआरा भाई मन है, वो मतलब भी ये क्षेत्र में काफ़ी लाभ मिले हैं, और मछली पालन के भी जो काम है उनमें भी एती के जो मछुआरा भाई मन है अव्वल है आपके क्षेत्र में, पहली स्थिति का रही से और अभी का स्थिति। पहली तो ये विभाग ल कोनो जानत नहीं रही से, जब ले हमर चौबे जी विभाग ल संभाल थे तब ले हमारे क्षेत्र में मछुआरा जिन किसान मन है वो मन ला हमन बैंक से लोन दिलवा के वो मन ला छूट दिलवा के आज वो मन तालाब बना है, 12-15 किसान मोर क्षेत्र के हवे, और तालाब बना के वहाँ मछली पालन करत है, और ओखर से ओखर मन की आमदनी जो है बढ़ गए हैं, और किसान जो है एखर से बड़ा संतुष्ट है। अब दो चार किसान वो आवत है कि हमन ला भी मछली पालना है, और हमन भी एखर पर लोन लेके और तालाब बना के हमन मछली पालबो, तो ओखर मन के भी फार्म वगैरह जो है भराए जाते, और ओखरो जो है प्रक्रिया में काम है। दुबे साहब एक चीज़ और महत्वपूर्ण रहते, कोई भी गांव में आए जाए बर या शहर से गांव आए बर या गांव से शहर जाए बर सुगम सड़क जो होना चाहिए, और सुगम सड़क लगभग 4 साल हो गए हैं, लगभग हर गांव से गांव पहुंचे बर सुगम सड़क के निर्माण हो गए हैं, और कौन कौन से सड़क बचे हैं, और मंत्री जी यहाँ और का प्रयास में कर रहे। सड़क के तो हमारे क्षेत्र में पूरा जाल बिछ गए, अभी आप आए हो तो तिरिया भाट से लेके परपुड़ी तक के बहुत बढ़िया सड़क बने हैं, ये तरफ रानो से लेके पड़पोड़ी तक के सड़क बने हैं, ये तरफ आप देख लो बगडावर से कमकावाड़ा जिन बहुत परेशानी हो किसान मल्ला तो वो सड़क बन गए, सोनपुरी से लेके कमकावाड़ा वाले मल्ला परेशान होत्री से वो भी सड़क बन गए हैं, चारों मुड़ा वैसे पड़पोड़ी से पथर्री के सड़क बन गए हैं, पथर्री से कुरलू चेचान मेटा तो जानो रानो ये तरफ पत्थर छोरी सुहागपुर ये सारा सड़क जो है हमारे क्षेत्र में बने हैं, और बहुत अच्छा सड़क बने हैं। अब उसे मैं ये देखता हूँ कि हमला सड़क के जतका काम हो है पूरा 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से वो मनत का काम नहीं कर रही से, जतका हमर ये सरकार 4 साल में काम करे है ये सारा चीज हमर उपलब्धि है, और हम बड़ा गर्व से कीतन के आज हमर क्षेत्र जो है हर दिशा में तरक्की करे जाते, हर क्षेत्र में हमर प्रगति होते हमर क्षेत्र के, ये 15 साल में हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रही से, लेकिन ये 4 साल में जतका विकास हो है वो 15 साल ला पीछे छोड़ दीस, और हम बड़ा खुशहाल है हमारे किसान हमारे जनता और हमारे क्षेत्र के जतका आदमी है वो सारा बहुत प्रसन्न है। चौबे साहब एक योजना है छत्तीसगढ़ सरकार के दुबे साहब जी जो है राजीव युवा मितान, ये जो योजना है होकर जो तेजी से क्रियान्वयन होते और हर गांव में राजीव युवा मितान के गठन करे जाते, थोड़ा सा एक बारे में समझो राजीव युवा मितान के मतलब का है और एक लाभ लोग बागला कैसे मिली। हमर सरकार सब क्षेत्र में काम करत रही से, किसान मन बर काम करीस, कर्मचारी मन बर काम करीस, व्यापारी मन बर काम करीस, लेकिन युवा मन ला हमर मुख्य धारा में जोड़े बर राजीव युवा मितान क्लब के गठन करे हैं। तो ये राजीव युवा मितान क्लब के जिन हमर सदस्य मन है वो सरकार के जिन योजना है वो योजना से जिन तबका नहीं जुड़े रहा है
वो सब लोग योजना में जोड़ते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेकर के अपन कला के प्रदर्शन करते, उखर प्रतिभा में निखार आते ये राजीव अमितान क्लब के माध्यम से, और मुख्य धारा में जुड़ के सरकार के काम ला सरकार जनता तक के पहुंचाते, और ये सरकार और जनता के बीच के कड़ी आज राजीव अमितान क्लब के हमर लइका मन सरकार ला बढ़िया सहयोग करते हैं, और आने वाला समय में उखर सहयोग हमारे लिए मील के पत्थर साबित हुई। राजू युवा मितान जो है वो हा सरकार और जनता के बीच के संपूरक बताते हमार विजय दुबे भैया हा। और हम लास्ट क्वेश्चन ये करबो और सवाल ओकर जानबो हम हा कि आगामी जो चुनाव है 2023 के जो चुनाव है ओकर तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार भी कर दे और विपक्ष भी कर दे, तो आपके क्षेत्र में तैयारी कैसे चल रही है? देखो हमला तैयारी के तो ते जरूरत नहीं है, 5 साल हम जिन काम करे हैं वो जनता के बीच में है, और ये 5 साल हमन जमीन से जुड़ के काम करे हैं, और हमार नेता माननीय रविंद्र चौबे जी तो किसान पुत्रे धरती पुत्रे, और हमार किसान मन संग जमीन में बैठ के बात करते, तो हमला ज्यादा दिक्कत और तैयारी करे के जरूरत नहीं है। वैसे फिर भी हमन पिछले समय चुनाव में भी हमन बूथ कमेटी के गठन कर रहे हैं, और बूथ कमेटी के माध्यम से हमन चुनाव लड़े रहे, ये दारे भी हमार बूथ कमेटी जो है सक्रिय है, और पूरा 5 साल हमार बूथ कमेटी सक्रिय रही से जनता के दुख दर्द में खड़ा हुआ है हमार बूथ कमेटी है, और जोन भी शासन के लाभ है जोन भी योजना है वो सारा लाभ हमार किसान मल्ला जनता मल्ला देवात रही से हमार बूथ कमेटी है, तो ये चुनाव में भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, और पिछले साल हमन 75 सीट जीते रहे, ये साल तो मुझे लगते 80 और 85 सीट हम जीत जबो, जेन बात लो वो करे उल्टा होते, हमन भाजपा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना चाहतन, और ये में हमला जनता के भरपूर आशीर्वाद मिल ही ऐसे हमला पूरा विश्वास है, और हमन हर क्षेत्र में काम करे हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो। आज हमारे चंदखुरी में कौशल्या माता के मंदिर 15 साल भाजपा के सरकार ही से छत्तीसगढ़ में, लेकिन कभी उमल्ला सुरता उखर